हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल और स्टडी अड्डा। तो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी एक छोटी सी प्यारी सी और थोड़ी सी अतरंगी सी पोयम, जिसमें कुछ अतरंगी से वर्ड यूज हुए हैं, जिसका नाम है फायर एंड आइस। इसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो पोएट बताते हैं कि हमारी दुनिया में टू टाइप्स के लोग होते हैं। एक वो जो कहते हैं कि हमारी जो दुनिया है वो फायर से ख़त्म होगी, और एक वो जो कहते हैं कि हमारी जो दुनिया है वो आइस से ख़त्म होगी। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि हमारी दुनिया आग से खत्म होगी, एंड कुछ लोग कहते हैं कि हमारी दुनिया बर्फ से जम जाएगी और खत्म हो जाएगी। अब आप लोग क्या कहते हैं इन दो ओपिनियन में? और अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि इच्छा, क्या इच्छा से दुनिया खत्म हो सकती है, तो आप कमेंट करके आंसर करना कि क्या इच्छा से दुनिया खत्म हो सकती है या नहीं, डिजायर का इसमें कुछ रोल है भी या नहीं। तो कुछ लोग कहेंगे हाँ कि डिजायर से दुनिया खत्म हो सकती है, कुछ कहेंगे नहीं, नफरत से दुनिया खत्म हो सकती है। अब डिजायर यानी इच्छा और नफरत, ये दो चीजें हमारे पास रहीं, तो इसका मतलब क्या है? अगर मान लीजिए किसी इंसान की इच्छा इतनी बढ़ जाए कि वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है, या इस दुनिया पर राज करना चाहता है, या बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, तो वो दुनिया खत्म करने का कारण हो सकता है। एंड उसके बाद आता है हमारी नफरत, तो नफरत भी दुनिया खत्म करने का कारण हो सकती है। अब इन दोनों चीजों में से आपको कौन सी अच्छी लगी, कमेंट जरूर करना। तो यहाँ पर जो नफरत है और जो हमारी डिजायर है, उसका कंपैरिजन किया गया है। तो डिजायर का कंपैरिजन किया गया है फायर से, मतलब डिजायर की जगह पे फायर यूज किया गया है, एंड आइस की जगह पे नफरत। कुछ लोग लिटरल मीनिंग मानते हैं, कुछ लोग फिलोसफी लॉजिकल मीनिंग भी मानते हैं। तो शायद अब आप लोग समझ गए होंगे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कहना चाहते हैं इस पोएम के माध्यम से। वो कहना चाहते हैं कि कुछ लोग मानते हैं कि हमारी दुनिया फायर से खत्म होगी, और कुछ लोग मानते हैं कि हमारी दुनिया आइस से खत्म होगी। जैसा कि मैंने आपको मीनिंग बताया कि फायर और आइस का मीनिंग यहाँ पर क्या यूज किया गया है, क्या, डिजायर एंड हेट्रेड। तो इसके बाद पोएट कहते हैं कि जो लोग कहते हैं कि ये दुनिया इच्छा से यानी डिजायर से खत्म होगी, तो मैं उनके फेवर में हूँ, क्योंकि मेरा खुद का मानना भी यही है कि ये दुनिया डिजायर से खत्म होगी। पोएट कहते हैं कि अगर इस वर्ल्ड को दो बार खत्म होना हुआ, तो अगर ये दुनिया एक बार में खत्म ही ना हुई, एक बार में खत्म ना हुई, तो उसे दोबारा खत्म होना हुआ तो क्या होगा? अगर सेकेंड टाइम की बारी आती है, तो मैं उन लोगों के साथ हूँ जिन्होंने कहा आइस से दुनिया खत्म होगी, क्योंकि हेट से दुनिया खत्म होना भी बहुत बड़ी बात है, और जो लोग आइस के साथ हैं उनका आइस के साथ होना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हेट से भी दुनिया खत्म हो सकती है। अगर हमारे चारों तरफ हेट ही हेट होगा, तो सब एक दूसरे को दुश्मन हो जाएंगे और मारने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो हमारी दुनिया आसानी से खत्म की जा सकती है। तो गाइस, इसमें जो पोएट हैं हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हमारी दुनिया डिजायर और हेट से खत्म की जा सकती है। उसमें फायर और आइस का उन्होंने कंपैरिजन कर दिया है, या फिर कह सकते हैं लिटरल मीनिंग यूज किया है, और बताना चाहते हैं कि डिजायर और हेटनेस से भी दुनिया खत्म की जा सकती है। तो गाइस, आई होप आपको ये समरी पसंद आई होगी, और वोट एग्जाम का टाइम है, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।